साइकोलॉजिस्ट कितनी सारी बीमारियां हमें दे देते ना। तो कितने लोगों के कांटेक्ट में है अभी तू? सर कांटेक्ट में जो रेगुलर कांटेक्ट में वो कुछ खास दोस्त हैं जो खुद के बैच के वो हैं 4-5 और सीनियर्स हैं कुछ 4-5 जिनसे कभी कभी कांटेक्ट होता है, रेगुलरली नहीं। उसमें थोड़ा सा मेरा ही कसूर है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक तो फोन नंबर आजकल पर्सनल बचाए, आप जूता खरीदिए, चप्पल खरीदिए, चीनी खरीदिए, हल्दी खरीदिए, मतलब किसी दुकान से, तो सबसे पहले बोलता है सर आपका फोन नंबर, क्यों बताऊं यार तुझे बिलिंग मेरे फोन नंबर के बगैर नहीं करते बनता। मतलब मैं ज्यादा कॉल नहीं करता हूँ या कॉल उठाता भी नहीं हूँ। हाँ वो तो, एक, 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 मेरे ख्याल से कोई वो भी है ना, देयर इज क्या कहते हैं उसको, देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ नॉट पिकिंग द फोन एज वेल ना। फोन एंजाइटी इज अ कॉमन फियर अमंग दोस विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सैड नहीं, मतलब ये स्टोरी सुन के मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे कॉल उठाने में क्यों दिक्कत होती है कभी कभार। सिम्टम्स क्या है इसके? अवॉइड मेकिंग कॉल्स और हैविंग अदर्स कॉल यू, डिले इन मेकिंग और आंसरिंग फोन कॉल्स, ऑब्सेस अबाउट व्हाट वाज सेड आफ्टर कॉल्स, स्ट्रेस अबाउट एम्बैरेसिंग योरसेल्फ, वरिंग अबाउट बॉदरिंग द अदर पर्सन, वरिंग अबाउट व्हाट यू विल से, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, नौसिया, शेकिंग, ट्रबल कंसेंट्रेटिंग। मतलब many people may not like talking on the phone or may even have phone fear but when your hesitance to make and receive calls causes you to experience symptoms such as severe anxiety, shortness of breath or a racing heart, you may actually have phone phobia. मैं भी बहुत asocial रहता हूँ और काफी asocial, मतलब मुझे ना अपने घर के अंदर छोड़ दो, हाँ थोड़ा खाने पीने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होनी चाहिए, बाकी तो मुझे घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो I stay so मतलब happy at my place और बहुत मजा आता है मुझे घर के अंदर, और खास करके घर के अंदर कोई है नहीं। ठीक है, मुझे आज पता चला कि मुझे फोन फोबिया है। ओह माय गॉड, मैं फोन नहीं उठाता लोगों का। पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, क्यों फोन उठाऊं? हाँ सर, अकेले रहने में मजा आता है। और वो जो ये है कि कॉल वॉल नहीं उठाता हूँ, सही में मेरा ही कसूर है। नहीं तो बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे तो कि ऐसा नहीं है कि भाई कॉल आप कम करते तो उनसे दोस्ती कम है, वो बस ये है कि उस वक्त आप कॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी भी अगर सामने मिलो तो आप वैसे ही मिलोगे। ट्रीटमेंट पता है क्या है इसका? कॉलिंग अ नंबर दैट यू नो विल हैव अ रिकॉर्डेड मैसेज लाइक अ कस्टमर सर्विस लाइन, उसको कॉल करके ना उसकी बातें सुनी तो आपको जो है फोन पे हो गया कम हो जाएगा। फिर कॉलिंग अ फैमिली मेंबर और फ्रेंड दैट यू नो वेल, है ना, जैसे कि अभी आपने अपनी मम्मी या पापा से बात की है पर फिर से आप उनको कॉल कर लीजिए, और पापा क्या हाल है, कैसे हो आप, है ना। हाँ, पापा भी पूछेंगे कि बेटा अभी तो अपनी बात हुई थी, सारी चीजें तो हो गई है, तो क्या हुआ, फिर से पूछ लेता हूँ, कैसे हो आप, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा ठीक है, मम्मी ठीक है, अच्छा ओके वेरी नाइस। फिर कॉलिंग अ बिजनेस एंड आस्किंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सच एज व्हेन यू क्लोज, है ना, जैसे कि कोई दुकान है जो कि बंद है उसको कॉल करिए और पूछिए कि व्हेन विल यू क्लोज, या फिर वो खुली है तो फिर उनसे पूछ लीजिए कि व्हेन विल यू क्लोज, है ना, तो वो आंसर आपको बता देंगे और उससे आपका फोन फोबिया कम हो जाएगा, कॉल एंजाइटी कम हो जाएगी। कॉलिंग समवन यू डोंट नो वेल विद अ सिंपल क्वेश्चन, किसी को जानते नहीं है लेकिन उसको कॉल कर दीजिए और उससे कोई सिंपल सवाल पूछिए, कोई भी सिंपल सवाल, है ना, जैसे कि हाउ टू प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ विदाउट यूजिंग डी मॉर्गन्स, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर अ लॉजिशियन। देन कॉलिंग समवन दैट यू डोंट नो वेल अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, जिसको जानते नहीं उसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछिए, कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछिए कि भैया आपका आप क्या सोचते हो, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो कहे कि होनी चाहिए तो फिर उसको नहीं होनी चाहिए इसके बारे में भी ज्ञान दीजिए, और अगर वो कहता है कि नहीं होनी चाहिए तो उसको होनी चाहिए इस पर ज्ञान दीजिए, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर मेकिंग ईच ऑफ द प्रीवियस टाइप्स ऑफ कॉल्स इन फ्रंट ऑफ वन पर्सन, अब यही चीज जो आप किसी के सामने दोहराइए कि पहले तो अपने राम श्याम गीता सीता को बुला लीजिए उसके सामने, फिर यही फोन कॉल्स करिए। मेकिंग ईच ऑफ द प्रीवियस कॉल्स इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, I seriously don't know where to go. क्यों फोन उठाऊं यार, क्यों फोन उठाऊं? एक तो फोन उठाने में इसलिए भी डर लगता है कि पता नहीं कब कौन पैसे मांग लेगा ना। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, तो आप गेट पे रखवा दो ना। हाँ 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 हाँ, गेट पे रखवा दो। क्या COT है?
नहीं नहीं आप वापस ही ले जाओ, वापस ही ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए भैया, वापस ले जाओ आप। हाँ हाँ वो तो है ही, वो तो इतनी समझदारी रखते हैं हम लोग, है ना। वो कोई इश्यू नहीं है। There are so many problems like this. You may be knowing about it, you may not be knowing about it. But एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगा, पहली चीज, इसको डिसऑर्डर जरूर कहा जाता है पर ये इलनेस नहीं है, इनफैक्ट ये डिसऑर्डर भी नहीं है। पीपल हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग, दे हैव देयर ओन चॉइसेस टू मेक, एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फोन पे बात नहीं करना चाहता, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे भी आपसे बात नहीं करना चाहता, इसमें इतना माइंड करने की बात नहीं। दूसरी चीज, अगर आप किसी के दोस्त हैं या अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको उसका स्पेस देना सीखिए। हो सकता है कि वो आपसे अभी कंफर्टेबल नहीं है बात करने, या वो किसी चीज में बिजी है, इसको लेके इतनी ह्यू एंड क्राई नहीं मचानी चाहिए और ना ही मेरे ख्याल से किसी को कोई डिसऑर्डर का लेबल देना चाहिए, है ना। इट्स जस्ट ए वे ऑफ लिविंग।